फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में बाबा की गोली मारकर हत्या करने वाले दो नातियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 24 नवंबर को तमंचे से घर में ही मारी गई थी गोली। बाबा ने 20 लाख की अपनी खेती बेचकर दूसरे पुत्र की बेटी की शादी में दे दिए थे सारे रुपए, जिससे नाराज होकर दूसरे पुत्र के बेटे ने बाबा को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने किया पूरे घटनाक्रम का खुलासा। थाना शिकोहाबाद के प्रोफेसर कॉलोनी का था मामला। शिकोहाबाद के प्रोफेसर कॉलोनी में 24 नवंबर को दिन दहाड़े एक बुजुर्ग की हत्या की गई थी। बुजुर्ग करीब उनकी उम्र 80 साल नहीं होगी। वह प्रवक्ता पद से रिटायर होकर प्रोफेसर कॉलोनी में रहते थे। ये हत्या जब देखी गई तो पता लगा उनके खुद के पोतों ने हत्या की थी, उनके बेटे के बेटों ने हत्या की थी, और उसमें उनके जो अभियुक्त थे वो आज गिरफ्तार किया है शिकोहाबाद पुलिस ने। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है और घटना के पीछे जो वजह बताया है, उनका कहना था कि उनका दादा जो है दो आंख करता था और उनको प्रॉपर्टी नहीं देता था और अपने उनके जो बड़े पापा हैं उन्हीं के साथ रहता था। अभी जो उसकी एक चचेरी बहन उसकी शादी थी उसमें भी उसको इन्वाइट नहीं किया था। ये सब इन सब चीज़ों को लेकर उनके अंदर बहुत गुस्सा थी और इसी को लेकर उन्होंने हत्या को अंजाम दिया। कितने लोग थे पूरी घटना में? पूरी घटना में ये थे और कुछ लोग योजना में भी शामिल हैं जिनके बारे में हम पता कर रहे हैं। कुल 5 लोगों का नाम इसमें दिखाया गया है और जो भी इस घटना में रहा है सबकी गिरफ्तारी होगी। अभी 2 लोग फिलहाल गिरफ्तार हुए हैं तमंचे के साथ। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट।